हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। तो स्वागत करते हैं आपके लिए आज के लिए जो रहेगा वीकली होरास्कोप। वीकली होरास्कोप आपके लिए जो रहेगा मेष से लेके मीन राशि तक। स्टार्ट करते हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल जो आपके लिए कैसा रहने वाला है। जैसे कि आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा 22 से लेके 29 तक आपके लिए जो मंथ जो रहेगा सितंबर मंथ के लिए जो फुल प्रिडिक्शन रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह की आपकी शुरुआत कैसे होने वाली है, चलिए जानते हैं। शुरू करते सबसे पहले राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखाई देते दे रहे हैं आप। काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा सा जो है जल्दबाजी कुछ काम को लेकर दिखाई देती दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ होगी कि किस चीज़ों की वजह से हर्ट हो सकते हैं या फिर थोड़ी हेल्थ इश्यू जो है आती हुई दिखाई देती दे रही है। पैसे को लेके काम करते हुए ज़रूर दिखाई देते दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए, हेल्थ इश्यू हो या फिर अदर कुछ चीज़ें हो, तो काम ज़रूर करेंगे। काम के लिए मन आपका काफ़ी अच्छे तरीके से रहेगा। आगे बढ़ते हुए दिखाई देते दे रहे, प्रैक्टिकल होकर अपना काम ज़रूर करेंगे। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है। एंजल्स मैसेज आपको क्या कहना चाहता है ये सप्ताह के लिए। ये सप्ताह आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या लेके आए हैं। तो जैसे कि एंजल्स में ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जो भी नया टाइम है वो अच्छा आएगा। अभी बस आपने तैयार रहना है अपने काम के लिए। आपने ये हफ्ता में ऐसे ही करना है कि कुछ सी भी चीज़ में फंसे हुए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी इशू हो रहा है, पर आपने काम की तरफ ध्यान देना है। काम की तरफ से ध्यान नहीं हटाना है। प्रैक्टिकल होकर अगर आप काम करते हो तो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। शुरू करते अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो क्या होने वाली है आपके लिए ये सप्ताह की एनर्जी। कुछ लोगों से कम्युनिकेशन होगी, पार्टनरशिप कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपकी मैरिज के लिए भी चांसेस आते हुए दिखाई देते दे रहे। कहीं बाहर ट्रैवलिंग करने के लिए भी जा सकते हैं, पर अगर ट्रैवलिंग कर रहे तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी समय ट्रैवलिंग के लिए ठीक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। काम पे मन नहीं लगेगा, काम पे मन बनाए के रखें, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी जो है आपके लिए सक्सेस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है। एंजल्स मैसेज आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स गाइडेंस आपको क्या कहना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस नई चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते रहे। कुछ फ्रस्ट्रेशन रहेगा, कुछ पुरानी बातों को चीज़ों को लेके बार बार सोचोगे। थोड़ी कम्युनिकेशन आपकी हार्ड तरीके से हो सकती है। लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई देती दे रही है। लव फीलिंग्स में थोड़ी सी चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो आपको छोड़ के जाते हुए दिखाई देगा या फिर कम्युनिकेशन आपकी स्टॉप रहेगी। ये चीज़ें आपकी हो सकती है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा थोड़ी सी कहीं भी अगर आप कितनी भी कोशिश कर ले अपने पार्टनर को मनाने के लिए, पर शायद आपके पार्टनर ना माने। इसलिए उनसे ध्यान हटा के अगर आप अपने कम्युनिकेशन पर अच्छे से बात करने में थोड़ा सॉफ्टली बिहेवियर में अगर आप थोड़े चेंजेस लेके आते तो आपका टाइम जो है थोड़ा सा अच्छा चलेगा। अदरवाइज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली दिखाई देती दे रही है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो ये है कि आप जितनी प्रेयर करेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे, जितने प्रभु से बात करेंगे, उतनी चीज़ें आपकी ठीक रहेगी। परफेक्ट टाइमिंग है आगे बढ़ने के लिए, काम पर फोकस कीजिए। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से लेजीनेस रहेंगे, कुछ न्यू चीज़ों को लेके काम करते हुए दिखाई दे रहे। कहीं बाहर जाइएगा, कहीं थोड़े से बाहर घूमने के लिए आपके जाते हैं तो चीज़ें आपकी ठीक रहेगी। कुछ नए काम को लेके चीज़ों को लेके आप सोचते हुए दिखाई देते दे रहे। फैमिली लाइफ में थोड़े से इशू आ सकते हैं, फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। घर पे थोड़े बड़े बुजुर्ग की थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो आपकी सुननी पड़ सकती है। कुछ बड़े बुजुर्ग के आपको लेके थोड़े से डिसीजन जो है लेने पड़ सकते हैं, ये चीज़ें होगी। कहीं ना कहीं थोड़े से लव प्रॉब्लम्स जो है ये सप्ताह में आते हुए दिखाई देते रहे। लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इशू रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मनाने में लगेंगे और शायद पार्टनर आपका ना माने। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो ये सप्ताह में आपके लिए एनर्जी ऐसी दिखाई देती दे रही है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो अभी ठीक तरीके से कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको जो है किसी ना किसी पे जो भी आप जिसको भी मानते हो आपको ट्रस्ट ज़रूर करना है। ये चीज़ों से आपकी चीज़ें ठीक रहेगी। शुरू करते अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या करने वाले हैं आप ये सप्ताह में। तो
कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी अच्छी तरीके से सोच के आगे बढ़ते हुए दिखाई देते रहे, लाइफ की जर्नी जो है स्टार्ट दिखाई देती रही है, पर आप हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के अपने काम को लेके अच्छी तरीके स्टार्टअप कर सकते हैं। कहीं फॉरेन जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो ये चांसेस दिखाई देते दे रहे हैं। कुछ भी अगर कोर्ट कचहरी के मामला हो तो ये आपके प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, स्ट्रगल रहेगा, पर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आती हुई दिखाई देती देगी, तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान ज़रूर रखें। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो जैसे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और बहुत जल्दी रिकवरी होती दिखाई देती दे रही है आपके काम को लेके, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है ये सप्ताह में आपकी फुल ऑन एनर्जी। तो आपके लिए ये सप्ताह में कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की से बातें आपकी बंद हो सकती है, पर तो भी आप खुश रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, प्रैक्टिकल होकर काम पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रहे, कुछ नई चीज़ें सीखती हुई दिखाई दे रहे, या फिर शायद आपका आध्यात्मिक में जाने का मन हो, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें कुछ स्पिरिचुअलिटी से कुछ चीज़ें सीखते हुए दिखाई दे रहे। अनबैलेंसिंग थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, फिर बाद में चीज़ें आपकी ठीक होगी। कुछ नए डिसीजन को लेकर कुछ सीखने के बारे में ज़रूर सोचते हुए दिखाई दे रहे, कुछ नया रास्ता आपके लिए आपके काम के रिगार्डिंग्स आपके लाइफ के रिगार्डिंग्स आपको मिल जाएगा। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, पति पत्नी की जहाँ तक रिश्ते थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़े से ठीक दिख रहे हैं, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा ये सप्ताह में, कहीं बाहर अपने फैमिली को लेके घूमने जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो जैसे कि आप जो भी डिसीजन लेंगे ये चीज़ें ठीक है, और आपके लिए अबंडेंस का कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो अपने काम की तरफ ज़रूर ध्यान रखें। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए तुला राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है ये सप्ताह आपके लिए। तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज जो है वो सही जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे, पर थोड़ा सा लेजीनेस आ सकता है ओवरथिंकिंग की वजह से, तो ओवरथिंकिंग ना करें। कहीं पे भी अगर किसी को डिसीजन मांगना है तो घर पे बड़े बुजुर्ग से आप डिसीजन मांग सकते हैं। अभी राइट टाइम है आगे बढ़ के काम करना जो है आपके लिए, स्टार्ट करना अच्छा रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को लेके भी आप कुछ काम कर सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इशू रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको पार्टनर जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है, हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी चीज़ें आपकी ख़राब रहेगी, बट कुछ नए डिसीजन को लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर भी आप याद करें, जो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है ये सप्ताह में। तो आपके लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प मिल सकती है, तो आप घर पे बड़े बुजुर्ग की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, एंड प्रार्थना करनी है, प्रार्थना से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छी बातें करके जो आप आगे बढ़ जाएंगे, टीम वर्क काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हुए। थोड़ी सी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप छोटा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सोशल नेटवर्किंग या फिर सोशल मीडिया पे अगर ज़्यादा वर्क करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मनी को लेके सेविंग करेंगे, पार्टनर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा रहते हुए दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इस सप्ताह में ज़्यादा करके दिखाई दे रहा है, कि लोग आपकी प्रशंसा ज़रूर करेंगे, मान सम्मान आपका ज़्यादा होगा। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अभी के लिए ना ले, सक्सेस आपको मिलेंगी, जैसे काम आपका चल रहा है वैसे को काम को लेकर आपने आगे बढ़ाना है, ये चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए धनुराशि वाले। धनुराशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ट्रैवलिंग दिख रही है, कहीं बाहर अगर जा रहे हैं तो वीज़ा लग सकता है, या फिर कहीं बाहर जो है फॉरेन ट्रिप के लिए जा सकते हैं। कुछ बड़े डिसीजन को लेकर आप आगे बढ़ेगी, कुछ अपनी कुछ नई चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हुए सोच रहे हैं दिखाई देते दे रहे। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, पुराने दोस्त आपसे मिल सकते हैं। मैरिज लाइफ के लिए अगर आप चीज़ें सोच रहे हो तो अभी ना सोचें, क्योंकि मैरिज के लिए अभी चांसेस नहीं दिखाई देते दे रहे हैं। कुछ नया काम हो सकता है, कुछ नई तरीके से काम की शुरुआत हो सकती है, आगे बढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको स्ट्रिक रहना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर, आप आगे जो है कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं। अभी के लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
एंजल्स के लिए आपके लिए क्या एनर्जी आती है, जैसे कि अभी सही टाइम नहीं है और आपको जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्टिविटी में रहेंगे, उतने ज़्यादा आपकी चीज़ें ठीक रहेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो कुछ न्यू गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है, कुछ नई चीज़ें आपके साथ होगी। थोड़ी हल्के ऊपर ध्यान ज़रूर रखें। मैरिज के लिए अगर आप बात सोच रहे हैं तो मैरिज के लिए काफ़ी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कार्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिज के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड्स है, जिनसे भी आपकी शादी होगी उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म चीज़ें आपकी अच्छी रहेगी, आगे के लिए कुछ परेशानी नहीं रहेगी। फाइनेंशियल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेव करते हुए दिखाई दे रहे, पैसे को लेकर खर्च नहीं होगे। एंड थोड़ी बहुत थोड़ी हेल्थ खराब हो सकती है, थोड़ा एग्जर्शन ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ों को लेकर थोड़ा संभल के रहिएगा। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो ये सप्ताह में आपने जो जितनी ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक रहेगी, और नए टाइम पे या फिर नए चीज़ों को आप जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी अभी सही होती हुई दिखाई दे रही है। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह आपके लिए क्या एनर्जी लेके आते हुए दिखाई दे रहा है, ये सप्ताह में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। तो कुछ काम के रिगार्डिंग आपकी चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकल आप ज़्यादा रहेंगे, कुछ भी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। लाइफ में लव पार्टनर की फीलिंग्स अभी नहीं दिखाई दे रही है, लव कम्युनिकेशन नहीं होगी। बट जहाँ तक बात है अपने नेम फेम सक्सेस को आप काफ़ी ज़्यादा शो करते हुए दिखाई दे रहे, प्रॉपर्टी को कुछ गेन करते हुए दिखाई दे रहे, कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग या फिर कुछ सेविंग के रिगार्डिंग कुछ बड़ी चीज़ें आप सोचते हुए दिखाई दे रहे ये सप्ताह में। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ बाहर की कुछ बिग अपॉर्चुनिटी आपको आए कि जिनकी वजह से आपके काम जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़े। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स मैसेज आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो जैसे कि कहा जाता है कि आपने किसी से अगर हेल्प मांगते हो चीज़ें ठीक होगी एंड सरेंडर कर दीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सरेंडर कर दीजिए, वो चीज़ें आपकी ठीक बनेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मीन राशि वाले। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। तो ये सप्ताह की एनर्जी आपके लिए मीन राशि वालों के लिए, तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नए काम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अगर नई जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक रहेगी। घर से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर चीज़ें देखी जाए तो मैरिज के लिए अगर आप चीज़ें देख रहे हैं तो चीज़ें ठीक रहेगी, पर कहीं ना कहीं घर से प्रेशर ज़रूर रहेगा। अरेंज मैरिज के लिए आपके लिए शायद दिखाई दे रहा है कि आप लव मैरिज के लिए सोच रहे हो, पर घर से कहीं ना कहीं दबाव रहेगा कि अरेंज मैरिज के लिए, तो वो चीज़ें थोड़े टाइम तक आप चीज़ें ठीक भी कर लोगे। थोड़े पैसे को लेकर दिक्कत ज़रूर आएंगी, अपने आप को फ्रीडम में लाना चाहते हो पर फ्रीडम आपको थोड़ी सी मिलती हुई नहीं दिखाई देती रही ये सप्ताह में। कितना भी कोशिश करो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। ये चीज़ होगी कि हाँ मनी को लेके थोड़ा फाइनेंशियल को लेके जितने पैसे आएंगे उतने खर्च होंगे, मतलब आपका खर्चा जो है ये सप्ताह में निकल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपनी हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान रखें, थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आ सकती हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही जो है आप जो है मेरे 10,000 फैमिलीज जो है बनने वाले हैं, तो मैं ऐसे ही सब लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप जो है मेरे से कनेक्ट होते रहते हैं। टैरो का रीडिंग क्लासेस स्टार्ट है एंड हीलिंग सेक्शन स्टार्ट है, आप कोई भी हीलिंग्स करवा सकते हैं, रेकी लामा फेरा एंड स्पेल आप कोई भी हीलिंग्स करवा सकते हैं। स्पेल के लिए डिस्काउंट स्टार्ट है, नवरात्रि के भी डिस्काउंट्स थे, अभी दशहरे के भी डिस्काउंट है एंड साथ ही साथ आपको दिवाली के भी डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आप अपनी हीलिंग्स जो है बुक करवा सकते हैं, हीलिंग सेक्शन बुक करवा सकते हैं। एंड ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ, न्यू टिप्स के साथ आपसे साथ एनी टाइम मिलती रहूँगी। एंड ऐसे ही मेरी न्यू वीडियोस आपकी तरफ पोस्ट जाया कीजिएगी।